हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आप सभी का रविपाल ब्लॉग में स्वागत है। और देखिए जी, सुबह सुबह में हो गई है आज बारिश और समय हुआ है 6:15। ये देखिए मौसम ऐसा है फिलहाल, लाजवाब। अब बारिश हो चुकी है, काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। और आज कनागत भी है, यानी कि देव पितरों का क्या हो गया मम्मी, पितरों का बब्बा बब्बा कनागत श्राद्ध। अच्छा श्राद्ध है, तो क्या बनाया आज? खीर बना दी। सुबह उठ कर मैं नहा धो के तैयार हो रही हूँ, और तैयार होकर मैंने खीर बनाई, फिर इसमें हलवा बना दिया। अब मेरी है पूरी बनाने की बारी। अच्छा, हलवा किस चीज का है? बेसन का। अच्छा, ज्यादा हो गया रखा है इसमें? मीठा ज्यादा है। मीठा मीठा ज्यादा हो गया होगा, इस वजह से ये लाल लाल सा हो रहा है, कुछ ज्यादा सी भून भी। इसमें अभी जब पूरी उतारने की तैयारी है, इसमें पूरी उतारने गर्म करेंगे सीसी को। तो पूरी स्टार्ट हो गई है उतरने के लिए। पूरी देखो गरम हो गया तेल, हुआ नहीं? और साइड में उसकी बोतल रख दी है पानी में उबलने के लिए। इस साइड का बादल जो है काफी अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह, लाजवाब एकदम बेहतरीन। गर्म गर्म पूरी उतरनी स्टार्ट हो गई है, और हमने उसकी अरनिक की बोतल भी उगल ली है गर्म पानी में। देखिए जी, सुबह का टाइम है और यहाँ पे खाना था जो बन चुका था सुबह, और यहाँ पे चाचा जी पीछे बैठ के खाना खा रहे हैं, यानी कि पूजा का जो सामान लाने के बाद फिर चाचा जी को खाना दे दिया गया था। और सुबह ही खाना खाते हैं, क्योंकि मतलब नाश्ता करते हैं, और नाश्ते में कभी खिचड़ी खाते हैं, कभी कुछ आता है, लेकिन पूरी है, हलवा है, खीर है, और जी सब्जी बनाई थी आलू की। तो आलू की सब्जी मैंने बना दी थी, तो मम्मी बोल रही थी कि जब तक तुम सब्जी वगैरह बनाती हो तो मैं पूरी सेक देती हूँ। फिर अर्णिका को मैंने बोतल से दूध पिलाया था, और जी उसे कभी कभी सोती सोती को पिला देते हैं हल्का फुल्का सा। हम फिर भी कोशिश करते हैं रोज़ की बोतल में दूध घाल के उसे पिलाने की, जिससे कि वो पीना सीख जाए दूध। और जी क्योंकि आपको पता ही है, बच्चा वैसे अपनी जो माँ का दूध पीता है, बाद में इतना दूध नहीं आता जब 1 साल के हो जाता है बच्चा, तो पहले पहले तो बहुत ज़्यादा दूध आता है। के 10 बज चुके हैं जी, अभी हमने नाश्ता कर लिया था, तो कपड़े भी मैं हमने धो दिए हैं, तो अभी मैं आई हूँ छत पे उन्हें फैलाने के लिए। और एक तसला भर के ले गई आई, सांस फूल गई, और कुछ मेरी ऐसी है कि थोड़ी सी दौड़ कर लूँ या कुछ भी कर लूँ तो सांस ही फूलती रहती है, अगर तेज भी चल लूँ पता नहीं क्या हो रहा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा शायद। और मैं इसलिए नहीं दिखा रही, इसके पापा बोलते भी रहते हैं कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं बोलती हूँ जब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास। तो जी अभी जो है बस ऊपर आ चुकी हूँ मैं छत पे, और अभी धूप बहुत अच्छी निकल चुकी है पीछे, और कपड़े में रखे तसले में। और रात ना बहुत तेज बारिश आई, और सुबह 4 बजे फिर जब ज़्यादा हवा चल गई और ठंड लगने लगी, तो 4 बजे हम उठ के ये नीचे गए थे। तो अभी यहाँ पे हम ये कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, दुताई हैं उठा के मैं धूप में फैला दूँगी, क्योंकि सूख जाएगी, अच्छी स्मेल सी भाग जाती है ना। और वैसे तो कोई वो नहीं है, गीले नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी मैं इन्हें रोज धूप में डाल देती हूँ। और अभी जो है बस मुझे कपड़े फैलाने के बाद झाड़ू पोछा करना है, और जी पूजा हमने सुबह ही कर ली थी, और जो पूजा वाला कमरा है ना उसमें तो हम सुबह ही लगा देते हैं पोछा, और जो बाहर को बरामदे में और दूसरे वाला बड़े वाला रूम है जो, उसमें हम लगाते हैं बाद में, क्योंकि उसमें आना जाना रहता है ना, तो फिर ऐसे हो जाता है जो सुबह सुबह लगाए तो अब लगा देंगे। फिर दोपहर को खाना खाने के बाद सब नीचे चले जाते हैं पापा और चाचा जी और हम हैं बस, फिर इतना गंदा सा नहीं होता, अगर जो सुबह ही लगा देंगे फिर ऐसे हो जाता है गंदा। तो चलिए जी अभी करते हैं काम, और ये दुताई कल धोई थी हमने, ये बारिश आ गई जब हमने फिर यहीं पे उतार के फैला दी थी, और वैसे तो सूख चुकी है लेकिन अभी भी धूप में डाल देंगे इसे, और ये स्मेल सी होगी वो भी भाग जाएगी इसमें से। तो बने रहिए हमारी वीडियो में।
तो अभी हमारा घर का सारा काम हो चुका था वैसे तो, लेकिन थोड़ा बहुत काम आपको पता ही है बच्चे के साथ में रहता ही है। और हमारी अन्नी का बहुत ज़्यादा शरारत करती है, अभी कभी डोर को निकालना, कभी कुछ निकालना। और जिसने ना हमारे जो बेड के बराबर में स्टूल है ना, वो डोर है अभी भी तोड़ दिए, और उसमें चोट वोट भी लगवाती रहती है। और जी यहाँ पे मैं कपड़े धो के लेके आ गई थी, और अर्णिका के पापा जो है सोप पे जा चुके थे, तो मैंने सोचा कि बेडशीट वगैरह दोनों धो दूँ, क्योंकि आपको पता ही है तीसरे चौथे दिन धोती है। और ये बेडशीट मैंने 2-3 दिन पहले डाल ली थी अभी, और अर्णिका ने फिर गंदी सी कर दी। और हम सब भी बैठते हैं, अब से लेटता तो कोई नहीं है बेड पे, लेकिन दिन में बैठ जाते हैं कभी कभी, वरना हमने चारपाई डाल रखी कमरे में। और जब सर्दी आएगी ना तो फिर तो निकल जाएगी, क्योंकि बेड पे ही लेटा करेंगे, और गर्मी में तो गर्मी लगती है हमें बेड पे, तो फिर चारपाई बाहर निकल के खड़ी हो जाएगी और फिर बेड पे ही लटक करेंगे। फिर हमारा जो कमरा है ना उसमें भी थोड़ी छींद सी हो जाएगी, अभी तो थोड़ी घिचमिच सी हो रही ना, क्योंकि आपको पता है चारपाई पड़ी है। और आप कमेंट भी करते हो कि इसे चारपाई को निकाल दो, लेकिन बच्चे के साथ में बेड पे लेटना कंफर्टेबल नहीं लगता, क्योंकि गर्मी भी लगती है। और जो चारपाई पे लेके बैठ जाओ बच्चे को, लेट भी जाओ, टॉयलेट वगैरह भी कर देता है, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी बेड पे हो जाए, क्योंकि स्मेल हो जाती है ना बेड पे। और ऐसा नहीं है कि हर टाइम बच्चे का डायपर लगाया जाता है, मैट डाला जाता है, कभी इधर उधर भी हो जाता है, तो इसी वजह से हमसे बेड पे इतना लेटाते नहीं सर्दियों में। क्या सर्दियों में तो रात को डायपर वाइपर लगा दिया करेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ लिए कहाँ कहाँ घूम गए आज? कहीं भी नहीं घूम का है। हे बाबू जी, नमस्ते बाबू जी, नमस्ते बाबू जी, माम माम करियो, माम माम कर दो, पापा को माम माम करो, कैसे कर अपना माम माम करिए, कर दे कर मैं दे। मैं ले रहा भाई, मैं जा रहा, इसे कुछ खिलाओ, चलो खिलाओ पिलाओ इसे। मम्मी ने कर दिया गेट बंद, और इसे जाना नीचे, इसे खोल लो गेट को। किसका घर जाओगी, किसका घर जाओगी, हैं कहाँ जाओगी? बाबू जी, बाबा बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, क्या बना रहे? आज बनेगी चटनी, पुदीना, पुदीना ही है बस। पत्ता पत्ता सारा तो होगा ये, सारा नहीं लाई मैं, थोड़ी बनाऊंगी, चल थोड़ी बना लो। सारा लाओ यार, चौकी ही बनाओ ना, सारी बनने के लिए। तो हम बना रहे हैं अभी हरी मिर्च पुदीने की चटनी, और जिसमें जीरा डालना है, नमक डालना है, हरी मिर्च और पुदीना, बस सिंपल सी, कोई लहसुन कोई प्याज नहीं है, सिंपल है। तो ये पुदीना है, तो आज आज जो है सिलबट्टे पे बनेगी चटनी। हाँ। सिल की चटनी मैंने बोला है ने कि उसको धो लो मिक्सी में, खातो खातो वाला मजा नहीं आता ना, तो आज बनेगी इस पे, है नी, चटपटी है। हम लाए थे पुदीना, वैसे पुदीने की हमें वो मिल गई है, उससे हम लगा लगे खेत में भी जड़, हाँ, जड़। तो ये बनेगी आज चटनी ऐसे, सब भूल के लोग आ गए, पर मजा इसका ही है अलग से ही खाने का। मम्मी बनाए हमारे घर इस तरह, मम्मी बनावे, मम्मी इस तरह बनावे। अजी ये हाँ कहाँ है बाबा, हैं कहाँ है, उल्टा देखो उल्टा चला ले, उल्टा देखो उल्टा चला ले, कैसे भी चला ले, हैं हैं भाई, अब उल्टा चलाओ कैसे, हाँ देखो मम्मी, देख 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 गिर ना जाए, चलाऊंगी इसे सारा, हाँ चल लेके चल, इसे लेके चलू मैं। क्या देख रहे, देख तो सामने से तो नहीं ले लो, चाहे ऊपर ऊपर दे देखो, ऐसे ऐसे आ रहा है सर, बस बाबू जी कहाँ जा रहे, किधर मोड़ना नहीं है, हैं मोड़ना तो आ जाएगा, मोड़ देगी सारा को, मम्मी को देख रही है अपनी, हैं हाँ अपो आ गई, आराम से मम्मी सीधी कर, पहले सीधी कर, सीधी तो हो जा, तावल खा भी जानेगी, आराम से हाथ छोड़, मेरा हाथ पकड़ के, हाथ छोड़ के रुको रुको, आ आराम से, ए
हाथ पकड़ेगी। आजा छोड़ दे, छोड़ी मेरा हाथ, छोड़ मेरा मेरा हाथ छोड़ दे, मेरा हाथ छोड़। हाथ पकड़ा है कैसे? पकड़ा हूँ कहाँ छोड़ छोड़ दे, छोड़ दे, चलो 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 पूर्ति कर, पूर्ति करा जा दे। मम्मी के पास जाके कितने मम्मी वही डरते थे। आजा मम्मी के पास जाओ, माँ जी के पास ला लियो मम्मी ला दी, ये रखी पहन के चलो जाओ जाओ चलो जाओ चलो 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 अंगी वंगी भाग गए। ले मम्मी आजा, थका दोगे आप तो इसे। आजा आजा जाओ, आजा ले ले तू मम्मी के पास। मम्मी से पेंसिल दिखा रही, मम्मी से पेंसिल ले यारी, ले दर्द है इसी दर्द है, ले 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 जा जा। गेम में पैसे दिख के भैया, पैसे दिख के पैसे। चलो कितनी है लगी पड़ी, बड़ी कर दो बिल्कुल महीन सी बेहतरीन, क्योंकि ये ना इसमें छेद से नहीं है, ठीक नहीं हो रही, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा ब्रिक बनने में, वरना अच्छा अभी तो और भी रखा पदीना है। चलो बनाओ धीरे धीरे सबके लिए, बढ़िया सी तसल्लियां बनाओ, तसल्लियां बन गई, हाथ भी दुखाना है आज बहुत दिनों में बना रहे ना, ये करेगा मेहनत वसूल तो देख क्या क्या ठावे सूंघ सूंघते पानी आ रहा।